अब यहां पर परमेश्वर जो है क्या कह रहा है, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहूंगा, ये मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। यानी कौन सा हाथ, अब वो कौन सा हाथ पकड़ेगा, हमारा बायां हाथ नहीं पकड़ेगा, हमारा दाहिना हाथ पकड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से दूसरे खंड के बारे में बात कर रहे हैं, 7 कलीसियाओं के नाम पत्र। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 15वें पद से। वहां पर जो है हमने 2 बातें सीखी थी। पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह के पांव जो हैं वो उत्तम पीतल के समान हैं, और दूसरी चीज हमने ये सीखा था कि उसका शब्द बहुत से जल के शब्द के समान है। ये 2 चीजें हमने सीखी थी। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 16वें पद में। जी हाँ, पहले हम इस पद को पढ़ लेते हैं। यहां लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बताता है, वे अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता है। देखिए, इन पद में जो है 3 बातें हैं। अब वो 3 बातें क्या हैं? वो 3 बातों को समझना है। पहली, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। दूसरा, उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। और तीसरा, उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य की कड़ी धूप के समान होता है। जी हाँ, जैसे सूर्य जो है दोपहर में देखिए कितनी चमक होती है, वैसे ही वो उसका मुख जो था चमक रहा था, दमक रहा था। यहां पर हम बात करेंगे पहले पॉइंट पर। पहले हम बात करेंगे, वे अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। अब सबसे पहली बात है, इसमें 2 बातें हैं, दाहिना हाथ और 7 तारे। ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए, दाहिने हाथ में है, अगर बाएं हाथ में होते तो हम फिर बाएं हाथ की बात करते, परंतु यहां दाहिने हाथ की बात है। पहले हम दाहिने हाथ को समझेंगे, क्योंकि जब तक हम उसके हाथों को नहीं समझेंगे कि उसके दाहिने ही हाथ में क्यों है, इसका महत्व अलग है। परमेश्वर के दाहिने और बाएं दोनों हाथों को समझना जरूरी है। जब हम उसको समझेंगे तो हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स या परमेश्वर की जो भी चीज हमें देना चाहता है वो किस हाथ से मिल रही है, और यह हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहली बात देखिए, मैं बहुत से पद जो हूं पूरे पूरे नहीं पढ़ूंगा, मेन चीज पढ़ूंगा। जैसे भजन संहिता 48 का 10 वर्स पढ़ रहा हूं, यहां पर साम्स 48 चैप्टर और 10 वर्स है। यहां लिखा है, तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा हुआ है। अब ध्यान करिएगा, अब पहली बात तो परमेश्वर पूरा धार्मिक है, पूरा धर्म से भरा हुआ है, और उसका दाहिना हाथ भी धर्म से और उसका बायां हाथ भी। मगर यहां अर्थ है कि परमेश्वर का दाहिना हाथ, यहां पर जो भजनकार कह रहा है कि परमेश्वर का दाहिना हाथ धर्म से भरा है, तो इसका मतलब क्या है कि अलग कुछ बात जो है परमेश्वर के दाहिने हाथ में है, या परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से कुछ अलग ही करता है। ये अलग सोचने की बात है। हमारे पास भी 2 हाथ है, हमारे दोनों हाथों का काम जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। हम हमारे दाहिने हाथ से यानी राइट हैंड से हम कुछ और काम करते हैं और लेफ्ट हैंड से हमारे कुछ, मगर ये दोनों जो हैं बॉडी के सहयोगी हैं जो हमारे शरीर को संभालते हैं। मगर यहां जो है बात परमेश्वर के दोनों हाथों का प्रयोग जो है बाइबल के अंदर दिया गया है, और इन दोनों हाथों से ये मनुष्यों को संभालता है और मनुष्यों को ब्लेसिंग्स देता है और मनुष्यों को जो भी चीजें देनी होती वो देता है, तो किस तरीके से देता है। इसलिए दाहिने और बाएं हाथ के बारे में समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को लिया हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है यशाया 41 और उसका 10 पद, ये पूरा पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। अब ध्यान दीजिए, परमेश्वर जो है ये दाहिना हाथ जो है ये हमें संभालने का काम करता है। परमेश्वर का जो दाहिना हाथ है मनुष्यों को संभालने का काम करता है, संभालता है, स्थिर करता है। जैसे हमने पिछले पद में भी पढ़ा था कि 2 खंबे हैं और उन दोनों खंबों का जो अर्थ है वो क्या है, याकीन का जो खंबा था कि वो स्थिर करता है, यानी परमेश्वर जो है स्थिर करता है। अब यहां दाहिने हाथ की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर कह रहा मत डर, इधर उधर मत ताक
और बिल्कुल भी निराश मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं और तेरे संग संग चलूंगा, और मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे क्या करूंगा, संभाले रहूंगा। यानी दाहिना हाथ जो है परमेश्वर का, वो हमें संभालने का काम करता है, हम गिरते हैं हमें उठाने का काम करता है, हमें स्थिर करने का काम करता है। फिर है यशाया 41 कई 13वां पद है, यहां क्या लिखा हुआ है, जी हाँ यहां पर भी जरा ध्यान दीजिएगा, इसको भी पूरा पढ़ रहा हूं। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर जो है अपने दाहिने हाथ से संभालता है। अब यहां पर परमेश्वर जो है हमें क्या कह रहा है, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहूंगा कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। यानी कौन सा हाथ, अब वो कौन सा हाथ पकड़ेगा, हमारा बायां हाथ नहीं पकड़ेगा, हमारा दाहिना हाथ पकड़ेगा। और जब वो हमारा दाहिना हाथ पकड़ता है, राइट हैंड पकड़ता है, और राइट हैंड पकड़ के वो क्या कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर भी हमारे दाहिने हाथ को महत्व देता है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर हमारे दाहिने हाथ की ओर है, और जब परमेश्वर हमारे दाहिने हाथ की ओर है तो परमेश्वर का हाथ कौन सा होगा हमारी साइड में, हमारे साइड में बायां हाथ होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको जरा दिमाग में बसाए रखिएगा कि बायां हाथ होगा। क्यों होगा बायां हाथ, क्यों वह हमें अपने बाएं हाथ में रखेगा, ध्यान दीजिएगा जरा। मैं अभी नहीं, अभी जो पद आ रहा है पहले मैं वो पद पढ़ रहा हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय उसका 6 पद, श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय उसका 3 पद, दोनों पदों में सेम बात लिखी है। और क्या बात लिखी है, काश उसका बायां हाथ मेरे सर के नीचे होता और अपने दाहिने हाथ से वो मेरा आलिंगन करता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। अब परमेश्वर जो है यशाया 41 के 13 में हमने पढ़ा कि हमारा दाहिना हाथ पकड़ कर कहेगा, हमारे दाहिने हाथ को पकड़ेगा। अब दाहिना हाथ अगर हमारा परमेश्वर हमारे दाहिने हाथ की ओर है तो परमेश्वर के हम बाएं हाथ की ओर खड़े हैं। अब ये बायां हाथ क्या होता है, हमारे सर के नीचे होता है। क्या लिखा है यहां, क्या श्रेष्ठ गीत में क्या कहता है, काश उसका बायां हाथ मेरे सर के नीचे होता है। अब सर के नीचे उसका बायां हाथ है, यानी हमारे नीचे उसका बायां हाथ जो है परमेश्वर का दबा हुआ है, और उसका जो दाहिना हाथ है वो खुला है। किस लिए खुला है, ताकि हमें अपनी बाहों में लेकर आलिंगन करे, प्रेम करे, हमें जो है अपने सीने से लगाए, हमें चिपटा के रखे अपने पास। कितना भेद है, इसलिए तो मैं कहता हूं ना कि हर छोटी सी छोटी बात पे, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं कोशिश यही करता हूं कि हर छोटी सी छोटी बात जो प्रकाशित वाक्य के अंदर खास तौर से कही गई है वो आप तक वैसे ही पहुंचा सकूं, उसके साथ इंसाफ कर सकूं। और इसलिए कोशिश पूरी यही रहती है कि हर बात जो है उसके अर्थ को हम और आप समझ सकें। परमेश्वर कहता है, अब हम बात अभी देखिए, दाहिने हाथ की बात खत्म नहीं हुई है, ये तो आलिंगन प्रेम करने की बात हुई है। दाहिना हाथ जो है वो हमारे दाहिने हाथ पे जब आता है तो उसका बायां हाथ जो है हमारी तरफ होता है, और वो बायां हाथ जो है हमारे सर के नीचे होता है, या हमें इस तरह पीछे से हमें जो है अपने दाहिने हाथ से जो है वो सॉरी अपने बाएं हाथ से पीछे से हमें पकड़ता है, और दाहिने हाथ को वो आगे से लाकर हमें अपने सीने से जो है लाकर चिपटा लेता है। इस तरीके से जो है परमेश्वर का वचन कहता है। फिर नीति वचन 3 और उसके 16वें पद में क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। अब बहुत ध्यान देने की बात है, दाहिने हाथ में क्या है, दीर्घायु, और उसके बाएं हाथ में क्या है, धन और महिमा है। अब हम उसके कौन से हाथ से क्या चीज प्राप्त करना चाहते हैं, देखिए सबसे पहली बात क्या है, जब तक उसके दाहिने हाथ की ब्लेसिंग्स नहीं होगी तो दूसरे चीजों की ब्लेसिंग जो है सांसारिक ब्लेसिंग जो है वह हमें नहीं मिल पाएगी। दाहिने हाथ में क्या, दीर्घायु। अब पता चला कि हम धन और महिमा तो मांग रहे हैं, बाएं हाथ की चीज तो मांग रहे हैं और दाहिने हाथ की चीज नहीं मांग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, परमेश्वर ने दे तो दिया मगर हमारा जीवन समाप्त हो गया, हम उसको यूज भी नहीं कर पाए। तो सबसे पहले क्या, दीर्घायु, एक लंबी आयु। दीर्घायु का मतलब क्या है, दाहिने हाथ में एक कभी ना खत्म होने वाली बात। यीशु मसीह क्या कहता है, जब आप योहन्ना की इंजील 11 अध्याय उसका 25 और 26 पद पढ़ेंगे, वो क्या कहता है, यदि कोई मुझ पर विश्वास रखता है और वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। यानी वो जीवन जो भौतायत का जीवन है, जो कभी ना खत्म होने वाला जीवन है, दीर्घायु का मतलब होता है एक लंबी आयु जो है वो परमेश्वर हमें देना चाहता है।
और उसके दाहिने हाथ में है परमेश्वर का, और उसके बाएं हाथ में जो है धन और महिमा है। मगर हम लोग ज्यादातर जो है उसके बाएं हाथ की चीज को मांगते हैं, लंबी आयु को नहीं मांगते हैं। फिर क्या लिखा, देखिए प्रकाशित वाक्य 1:17 में क्या लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। क्या नहीं? यूहन्ना जो है ना, जब उसने पीछे मुड़के जब प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसका दर्शन पाया, तो मुर्दे के समान गिर पड़ा, क्योंकि प्रभु जो है वो उसका ईश्वरीय रूप है, और ईश्वरीय रूप को देखना, ईश्वरीय मुख को देखना, उसके चेहरे को देखना जो है ये बड़ी डेंजर बात होती है। परमेश्वर का वचन मूसा से भी कहता है, मनुष्य जो है मेरा मुख देखकर जीवित नहीं रह सकता, इसलिए वो मुर्दे के समान गिर पड़ा। मगर परमेश्वर क्या कह रहा है कि उसने अपना दाहिना हाथ रखकर उसे क्या करा, उसे उठाया, उसे संभाला। जैसे हमने पढ़ा ना, वो दाहिने हाथ से हमें क्या करता, संभालता, उसे संभाला, उसे उठाया, और उससे क्या कहा, मत डर। जो यशाया में बात कही है वही बात वो यूहन्ना से कह रहा है। तो यहां पर जो है ये दाहिने हाथ वाली बातें, मुझे लगता है दाहिने और बाएं हाथ वाली बात आपको समझ में आई होगी। इसलिए आप जो कुछ भी ब्लेसिंग्स आप मांगेंगे, या जो कुछ भी आप अपने आप को संभालने के लिए कहेंगे कि परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाल, परमेश्वर अपने दाहिने हाथ की दीर्घायु मुझे दे, अपने दाहिने हाथ की ब्लेसिंग्स मुझे दे, और अपने बाएं हाथ को मेरे सर के नीचे रख, ताकि मैं सुकून की नींद जो हूं सो सकूं, शांति की नींद जो है वो सो सकूं, जब एक तकिए के समान उसका जो है बायां हाथ जो है वो काम करता है। सॉरी, बाएं हाथ की बात करो, बायां हाथ हमारे सर के नीचे होता है, तो एक सुकून की नींद, एक शांति की नींद, एक शांति का अनुभव, एक आनंद का अनुभव होता है, और हमें आनंद मिलता है कि जब उसका बायां हाथ हमारे सर के नीचे होता है। जी हाँ, अब हम बात करेंगे तारों के विषय में। ठीक है, तो ये आपने देखा कि किस तरीके से जो है परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। एक चीज और बता देना चाहता हूँ, खासतौर से लोगों के विषय में, इससे पहले कि मैं तारों की बात करूं, एक चीज और बता देना चाहता हूँ। जब आप उत्पत्ति 48:13-15 और 17-19 पद तक पढ़ेंगे, तो यहां पर जो है यूसुफ जब अपने पिता को भी मिस्र में ले गया, तो यूसुफ के दो बेटे थे, और दो बेटे कौन से, एप्रेम और मनशशे थे। मनशशे जो था वो जेठा था, और अक्सर जो उस समय पुराने समय में जो जेठा पुत्र हुआ करता था, बड़ा बेटा जो हुआ करता था, वो पिता के सारे आशीर्वाद का कारण हुआ करता था, और पिता उसे अपने सारे आशीर्वाद जो था वो देता था। अभी यहां पर क्या है कि जब मनशशे को, यूसुफ का जो पिता था याकूब, जब मनशशे को पर उसने अपना दाहिना हाथ रखने के बजाय उसने एप्रेम पर अपना दाहिना हाथ रखा, तो याकूब ने क्या कहा, याकूब ने कहा मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, इसलिए मेरा दाहिना हाथ जो है वो एप्रेम पर ही रहने दे, क्योंकि वो उसके लिए आशीष है, और मनशशे को भी मैं आशीष दूंगा। तो ये दाहिने हाथ की और बाएं हाथ की जो ब्लेसिंग से बड़ी पावरफुल हुआ करती थी, और परमेश्वर कहता भी, जब आप याकूब के बारे में पढ़ेंगे तो याकूब जो था ऐसाओं की सारी आशीषें लेकर चला गया था, वो सारी दाहिने हाथ तो उसके सर के ऊपर रखा था और उसको ब्लेस करा था। तो दाहिना हाथ रखकर जो है वो ब्लेस किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं तारों की बात। जब हम तारों की बात करते हैं तो उत्पत्ति 37:9-11 पद तक पढ़ेंगे, तो वहां पर यूसुफ एक सपना देखता है, और सपने में क्या देख रहा है, चांद, सूरज और 11 तारे उसको दंडवत कर रहे हैं। अब ये 11 तारे कौन है, ये यूसुफ के 11 भाई हैं। जी हाँ, ये तारे जो है वो इस चीज को भी दर्शाते हैं। परमेश्वर का वचन जो है वो कहता है यशया 14 अध्याय उसका जब 12वां पद पढ़ेंगे, तो यशया 14 का 12वें पद में लिखा है, जो भोर का तारा था वो सरदूत था, प्रधान सरदूत, छा जाने वाला, करूब जिसको बोलते थे, वो था जो वर्शिप लीडर था, ठीक है, और स्वर्ग के अंदर वर्शिप करता था, वो भोर का तारा था, परंतु जब उसने पाप किया तो वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। और ये जो जो उपाधि थी यानी भोर के तारे की, वो उससे छीन ली गई और वो उससे ले ली गई, और ये उपाधि किसको दे दी गई, ये जब आप प्रकाशित वाक्य 22:16 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है यीशु मसीह भोर का चमकता हुआ तारा है, और प्रकाशित वाक्य 2:28 को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है वो कहता है जो जय पाएगा मैं उसे भोर का तारा दूंगा, यानी प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जो है हमें दे देगा। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को कहता है। फिर
प्रकाशित वाक्य 1:16 जब पढ़ेंगे तो लिखा है उसके दाहिने हाथ में 7 तारे हैं, और जब इसी का 20वां पद पढ़ेंगे तो ये 7 तारे जो हैं ये 7 कलीसियाओं को दर्शाते हैं। जी हाँ, 7 कलीसियाओं के दूत को, 7 कलीसियाएं नहीं, 7 कलीसियाओं के दूत को दर्शाते हैं। और जानते हैं दूत जो है वो किसको कहा गया है? दूत जो है मलाकी 2:7 जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है यहाँ पर मलाकी 2:7 में, क्योंकि याजक को चाहिए कि वे अपने होंठों से ज्ञान की रक्षा करें और लोग उसके मुख से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वे सेनाओं के यहोवा का दूत है। जी हाँ, सेनाओं के यहोवा का दूत है। तो तारे कौन है? तारे जो है वो जो परमेश्वर के लोग हैं, जो संदेश वाहक हैं, उन्हें जो है तारे की उपाधि दी गई है। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, भजन संहिता 147 का जब 4 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है वे तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। वो सारे तारे गिने हुए हैं और उनके नाम रखता है कि किसका क्या नाम है और किसको क्या देता है। चलिए हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती है। जी हाँ, दोधारी तलवार के बारे में बात करें, अब ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि तलवार निकल रही हो दोधारी। इस चीज को समझिएगा, आखिर दोधारी तलवार है क्या? चलिए प्रकाश सॉरी इब्रानियों 4:12 उसका 12वां पद जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर क्या लिखा है इब्रानियों 4:12 उसके 12वें पद में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखिए यहां क्या है, दोधारी तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है जो दोधारी तलवार के समान है। अब इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के मुंह से दोधारी तलवार के निकलने का मतलब है, यानी वो जो वचन है जो दोनों तरफ काट करता है, दोनों तरफ मार करता है, ये वो है। आज परमेश्वर का ये जो वचन है ये प्रभु यीशु मसीह का है। हम लोग दूसरे के लिए उंगली उठाकर जो है वचन सिखाते हैं कि वचन ये कहता है कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, खासतौर से बहुत से पादरी ये कहते हैं, मगर वही वचन जो है वह हमारी तरफ भी, क्योंकि तलवार की धार है दोधारी तलवार, यानी वो पब्लिक की तरफ भी है और वो सेवक की तरफ भी है। इस बात को ध्यान रखें, ये दोधारी तलवार जो है वो दोनों तरफ वार करती है, दोनों तरफ काम करती है। और दूसरी चीज जो है, जब हम वचन की बात करते हैं, वचन रूपी तलवार की बात कर रहे हैं, तो यूहन्ना 1:1 उसके पहले पद में क्या लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन कौन है? परमेश्वर है। अब ये वचन रूपी परमेश्वर ने क्या करा, जब यूहन्ना 1:14 पद पढ़ेंगे कि उसने वचन देहधारी हुआ लिखा हुआ है। वचन क्या हुआ? देहधारी। देहधारी का मतलब होता है उसने एक शरीर को ग्रहण करा और वो शरीर किसका था? यीशु मसीह का था। जी हाँ, यीशु मसीह का शरीर था। जब हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19:1 और उसका 11-13 पद तक पढ़ेंगे, जी हाँ ध्यान दीजिएगा। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसे छोड़ और कोई नहीं जानता। वे लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। देखिए यहां पर क्या लिखा, ये बिल्कुल जो रूपरेखा जो यहां पर दिखाई दे रही है, हर एक बात जो दिखाई दे रही है, श्वेत घोड़ा दिखाई दे रहा है, उस पर सवार दिखाई दे रहा है, वो विश्वास योग्य है, वो सत्य है, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती हैं। और ये स्वर्गीय दर्शन है, वो स्वर्ग के अंदर श्वेत घोड़े को और प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो सवार जो है वो परमेश्वर का वचन है और वो प्रभु यीशु मसीह है। यानी प्रभु यीशु मसीह वो दोधारी तलवार है, यानी दोधारी तलवार का मतलब वो दोधारी परमेश्वर का वचन जो है दोधारी तलवार के समान है। यानी प्रभु यीशु मसीह जो है वो दोधारी तलवार के समान है, वो इधर भी वार करता है उधर भी वार करता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। ये बहुत ध्यान की बात है। तीसरा पॉइंट है यहां पर, उसका जो मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप में चमकता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है परमेश्वर का ईश्वरीय रूप, यानी परमेश्वर का ईश्वरीय रूप प्रकट होना, परमेश्वर का जो है वो ईश्वरीय रूप दर्शाया जाता है। खासतौर परमेश्वर का मतलब कहने का है यहाँ पर यीशु मसीह का, यीशु मसीह का वो ईश्वरीय रूप देख रहा है।
यानी वो परमेश्वर के रूप में जो है यीशु मसीह को इस समय देख रहा है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां लिखा है भजन संहिता 84 और उसका 11वां पद, पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, जो पॉइंट है वही पढ़ रहा हूं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। अब यहां क्या लिखा है, यहोवा परमेश्वर कौन है? सूर्य और ढाल है। परमेश्वर सूर्य है, ठीक है, यानी धमकता हुआ, उसका चेहरा धमकता हुआ, और यहां यीशु मसीह का वही रूप दिखाया जा रहा है, वही सूर्य के समान चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रज्वलित है उसका चेहरा जो है। अब जब आप मती 17:1-3 पद तक पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह का चेहरा जो था सूर्य के समान चमकने लगा, दमकने लगा, यहां लिखा है सूर्य के समान। जब आप लूका 9 अध्याय उसका 28-31 पद तक पढ़ेंगे और खासतौर से 29 पद, जब वे प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप क्या हुआ, उसके चेहरे का रूप बदल गया। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था, यानी यीशु मसीह के चेहरे का रूप क्या हुआ, वो बदल गया जब वो प्रार्थना कर रहा था। ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह याकूब और यूहन्ना और पतरस को लेकर जब वो पहाड़ पे गया, और जब वो पहाड़ पे चढ़ गया और इन लोग पीछे रह गए, तो जब वो पहाड़ पे चढ़ा हुआ प्रार्थना कर रहा था तब उसका चेहरा जो था वो सूर्य के समान चमकने लगा। इसका और एलिया और मूसा उसके दाहिने और बाएं खड़े थे, ध्यान दीजिएगा, एलिया और मूसा दोनों उसके दाहिने और बाएं खड़े हुए उससे बातचीत कर रहे थे। लूका जब आप 9:28-31 पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो उसकी मृत्यु के बारे में चर्चा कर रहे थे कि उसकी मृत्यु कैसे होगी और उसको क्या क्या चीजें सहन करनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें ये डिस्कस हो रहा था वहां पर उन तीनों के बीच में। और तभी वो पतरस कहता है कि हम यहाँ पर 3 मंडप बनाए हे प्रभु, एक तेरे लिए और एक एलिया के लिए और एक मूसा के लिए। मगर इतने में एक चमकीले बादल ने उन्हें घेर लिया और क्या कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हाँ, जो ये कह रहा है इसकी सुनो। तो यहाँ बड़ी उत्तम बातें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं कि वो ईश्वरीय रूप में प्रकट हुआ है। अब जो है इस मृत्यु के बाद जो है वहां जो दिखाई देने वाली बात है कि ये जो मृत्यु की चर्चा हो रही है, इस मृत्यु के बाद वो अपने उसी ईश्वरीय रूप में आ जाएगा और उसका भी चेहरा देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम यीशु मसीह का चेहरा देखेंगे, और इसीलिए जो है परमेश्वर जो है हमें वो सामर्थ और शक्ति से भरता है जो परमेश्वर देना चाहता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परमेश्वर की ईश्वरीय योजना है। देखिए, परमेश्वर ने जब जब योजनाएं बनाई हैं, ईश्वरीय योजना बनाई है, तो यीशु मसीह का जो चेहरा है वो बिल्कुल ईश्वरीय हो गया। जैसे अभी हमने मती 17:1-3 में पढ़ा, हमने लूका 9:28-31 में हमने देखा, और जब हम प्रकाशित वाक्य के अंदर देखते हैं तो ये सारा एक बहुत बड़ा प्लान है, ईश्वरीय प्लान है जिसको वो पूरा करने जा रहा है। और जब जब एक बहुत बड़े प्लान को पूरा करने की बात आती है तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरीय दर्शन दिखाई देता है, और यूहन्ना जो है वो उसका ईश्वरीय दर्शन जो है वो देख रहा है कि हमारा परमेश्वर जो है, हमारा न्यायी परमेश्वर जो है, हमारा परमेश्वर जो है वो अब आने वाला है, और वो जो है आकर हमारा न्याय करेगा और इस दुनिया का जो है अंत करेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बने रहिए उस सच्चे और ईश्वर जीवित और सच्चे ईश्वर के समक्ष जिसका नाम यीशु मसीह है, ताकि उसका चेहरा देखें और हमारा भी चेहरा जो है वो दमकने लगे। मूसा ने परमेश्वर की पीठ का झलक का दर्शन किया था और उसके चेहरे की किरणें ऐसे निकलने लगी कि लोग देख नहीं पा रहे थे, और जब हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को तो हमारा चेहरा भी जो है ऐसे ही दमकेगा, वो चेहरा भी जो है वो ईश्वरीय रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो आइए इंतजार करते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन का। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।